सबसे खतरनाक विपर्जय चक्रवाती तूफान ने भीषण तबाही मचाना शुरू कर दिया है। टकराते 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पेड़, खंभे और टीन सेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते हुए समुद्र की लहरें भी आसमान को छू रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, गुजरात में तो भीषण तबाही देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अलावा 10 राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वो 10 राज्य कौन से हैं जिसमें भयंकर बारिश के साथ करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। हालांकि गुजरात को पार करने के बाद ये खतरनाक चक्रवाती तूफान की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन बारिश का दौर भयानक रहेगा। इनमें मुख्यतः 10 राज्यों में केरल, असम, लक्षद्वीप, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर भयंकर बारिश का कहर इसी चक्रवाती तूफान की वजह से देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा कहर बरसेगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान और गुजरात दोनों ही ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा इस खतरनाक चक्रवाती तूफान की तबाही के मंजर के क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त गुजरात से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। गुजरात के 8 जिलों से 75,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, गुजरात के जामनगर, मोरवी, जूनागढ़, राजगढ़, देवभूमि, गिर सोमनाथ और पोरबंदर से करीब 75,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। गुजरात के कच्छ जिले में तो धारा 144 लगा दी गई है और चक्रवात के खतरनाक रूप को देखते हुए 70 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ा ताज़ा अपडेट आ रहा है। इस समय जो चक्रवाती तूफान है गुजरात राज्य से टकरा चुका है और भीषण तबाही मचाना शुरू कर दिया है। S24 न्यूज़ आपको लाइव अपडेट लाता रहेगा। इस वक्त गुजरात के 7 जिलों में भीषण तबाही का खतरा मंडरा है और वहां से लोगों को 75,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और अब वहां पर NDRF की 33 टीमें तैनात हैं। जितनी ताज़ा